let us talk about acceleration due to gravity. यहाँ पर acceleration का मतलब simply आपको बताया जा रहा है कि एक object का acceleration, और यहाँ पर gravity आपको बता रहा है कि gravity is the cause of acceleration here. Gravity means earth का जो pull होता है, earth का जो force of attraction होता है किसी object पे, उसको हम बोलते हैं gravity. तो उसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है, अर्थ का अट्रैक्शन एक फोर्स है यहाँ पर, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलेरेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आपने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर ड्रॉप करते हो तो फिर वो एक्सेलेरेट करने लगता है. तो व्हाई डज इट एक्सेलेरेट? तो इसका कारण है कि अर्थ का पुल या फिर अर्थ का अट्रैक्शन, ग्रेविटी इज द रीज़न व्हाई एन ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेट्स व्हेन यू ड्रॉप इट. तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं अलग अलग प्लेस पर. ग्रेविटी जो होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है, अलग अलग लोकेशन पर ये डिपेंड करता है. कुछ हाइट ऊपर अलग उसकी वैल्यू होती है और कुछ डेप्थ पे इसकी वैल्यू कुछ अलग होती है. तो आइए देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी किस तरह से होता है अलग अलग लोकेशंस पे. सबसे पहले बात करते हैं सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है. तो पहला केस है हमारा ऑन द सरफेस, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस. अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पे है, तो उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलेरेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज अर्थ, एंड मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे like the near the surface. Let's say this is the center of the earth. Earth has a mass capital M and the particle has a mass small m. आपको ये पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो या अर्थ के बाहर हो, तो उस केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के बीच में, हम एज्यूम कर सकते हैं होल मास ऑफ द अर्थ टू बी एट लाइंग एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो इसका मास यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बिटवीन द टू. लेट्स से रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू विल बी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्यों अर्थ के मास को हम अर्थ के सेंटर पे क्यों एज्यूम कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको अलग से बताया हुआ है अंडर द टॉपिक सेल थ्योरम के अंदर. मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है. तो जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो या फिर जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर हो, तो फिर आप अर्थ के मास को अर्थ के सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू यहाँ पर फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई. तो फिर एक्सेलेरेशन जो होगा, इस फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन ऑब्जेक्ट का होगा, उसको हम जी से डिनोट करते हैं. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल जी. एक्सेलेरेशन विल बी सिंपली फोर्स बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आई जी एम बाय आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन इसकी वैल्यू सरफेस पे हर जगह सेम नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर ऑन द इक्वेटर इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑन द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो रेडियस जो है, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, और आप देख रहे हैं कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो क्योंकि रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा होता है और पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे कम होगा क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस अर्थ का ज़्यादा होता है. नाउ लेट अस सी हाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज ऑन अदर प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल एट ए हाइट एच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो लेट्स कंसिडर द केस, सेकेंड केस, एट हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above surface of earth. So let's draw the diagram for it. Let's say this is the earth and this is the center of earth. This is the radius of earth. Suppose an object is lying at a height h above the surface of earth. For example, here mass of the object is small m, mass of the earth is capital M. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे हो या फिर अर्थ के बाहर हो, तो उस केस में आप अर्थ के मास को एज्यूम कर सकते हैं लाइंग एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो आप अर्थ के मास को यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए एज ए पार्टिकल. तो यू हैव गॉट टू पार्टिकल्स, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम. सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज हियर एच प्लस आर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू विल बी, लेट्स से फोर्स इज एफ डैश रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश. एफ डैश विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R plus H whole square. यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में R को कॉमन ले लीजिए, तो यू विल गेट जी एम एम. इसमें R plus H में अगर आप R को कॉमन लेंगे तो बाहर R square आ जाएगा, R square into 1 plus H by R का होल स्क्वायर. सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी सिंपली, लेट्स से एक्सेलरेशन हियर इज जी डैश. एक्सेलरेशन विल बी स्मॉल एम, व्हिच विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर. यहाँ पर आप जी एम बाय आर स्क्वायर को लिख सकते हैं स्मॉल जी, डेट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सो यू कैन राइट जी डैश इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी. दिस विल बी जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर. So here we get the value of acceleration due to gravity at a height h in terms of small g. So इसको आप दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. g dash को आप इस तरह से लिख सकते हैं, g dash equals to g into 1 plus h by r to minus 2. If h is very very smaller than capital R, this height is, अगर height radius से बहुत ही छोटा हो, तो उस केस में आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं using binomial approximation g into 1 plus plus के जगह minus आ जाएगा minus 2h by R. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में पावर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ. फॉर एग्जांपल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में आप अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को लिख सकते हैं इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स. तो इसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, माइनस टू को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो फिर इस फॉर्म में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में मैंने लिखा वेर एक्स इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू बहुत ही कम है, एक्स इज वेरी क्लोज टू ज़ीरो. लेट अस नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आवर थर्ड केस एट ए डेप्थ d below the surface of earth. So let's say we have this earth, this is the center of earth, and suppose an object is lying at a depth d below the surface of earth. Let's say this is D. जैसा कि मैंने आपको सेल थ्योरम में बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि जब भी पार्टिकल, दिस इज योर पार्टिकल, पार्टिकल इज लाइंग एट ए डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. जब भी पार्टिकल अर्थ के इनसाइड हो तो उस केस में फोर्स निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड पार्टिकल निकालने के लिए आपको टोटल मास कंसीडर नहीं करना पड़ता है. टोटल मास ऑफ द अर्थ इन दिस केस विल नॉट एग्जर्ट फोर्स ऑन द पार्टिकल. कौन सा मास एक्सर्ट करेगा? तो वो मास, तो यहाँ पर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल ऑफ रेडियस आर माइनस डी. आर माइनस डी पार्टिकल से पास करता हुआ एक सेल ड्रॉ कर लीजिए आप. तो उस सेल का जो रेडियस होगा यहाँ पर होगा आर माइनस डी. तो इस आर माइनस डी में जो पार्टिकल्स होंगे, अर्थ का जो मास होगा, वही केवल इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, नॉट एंटायर मास ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो पूरा मास है वो इस पे फोर्स नहीं लगाएगा. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अंदर द टॉपिक सेल थ्योरम. तो आप यहाँ पर केवल, यहाँ पर आप एक सेल कंसीडर करेंगे, एक सेल जो कि पास करता है पार्टिकल से, और उस सेल का जो है सेंटर लाई कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो उस सेल में जो मास होगा वही मास इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा. तो इस सेल में जो मास होगा वो कितना होगा आप निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर डेंसिटी कितना हो जाएगा? Density of the earth will be m upon 4 by 3 pi r cube. इसमें इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी में, तो आपको मास निकल जाएगा ये मास. तो इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो आप हो जाएगा 4 by 3 pi r minus d cube. तो ये आपको मास मिल जाएगा जो कि, जिसको कि आप एज्यूम कर सकते हैं लाइंग एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. लेट्स से दिस इज एम डैश. तो दिस इज एम डैश. एम डैश की वैल्यू हो जाएगी यहां पर एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी क्यूब. अब यहाँ पर आपके पास m डैश है और m है, दो पार्टिकल्स हैं. आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू f डैश विल बी g m डैश m अपॉन r माइनस d स्क्वायर. m डैश की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो यू विल गेट m by r cube g m by r cube into r minus d cube into small m upon r minus d square. यहां से आपको मिल जाएगा g m capital m upon r cube into r minus
d into small m. So this is the force experienced by a small m, this particle, at a depth d below the surface of earth. तो यहाँ पर acceleration कितना हो जाएगा, acceleration g dash will be simply force upon mass, f dash upon small m. So you get gm by r cube into r minus d. अगर आप r minus d को small r लिख देते हैं, let's say this is small r, तो आप acceleration due to gravity की value बता सकते हैं, that is gm upon r cube into small r. Now let us plot a graph between acceleration due to gravity and this radial distance. So इसके बीच में हम graph plot करते हैं acceleration due to gravity with radial distance along radius. So let's draw axes. Y axis पे हम d dash की value ले लेते हैं और x axis पे हम radius ले लेते हैं, एक radius. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि acceleration due to gravity is directly proportional to radius distance, radial distance small r. कहाँ तक? Up to radius r. तो acceleration due to gravity will be proportional to the radius up to capital R. उसके बाद में जो relation है acceleration due to gravity का, that is अगर यहाँ पर r plus h को लिख दिया जाए small r, this distance, so this distance is small r, तो फिर आप फोर्स बता सकते हैं, यहाँ पर फोर्स बता सकते हैं कि f dash equals to जी एम एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द टू. और एक्सेलेरेशन बता सकते हैं जी डैश इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. सो आप देख सकते हैं कि जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो बियॉन्ड कैपिटल आर, आउटसाइड द सर्फेस ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस.